सब्सक्राइब करें एम्पिलीशियस ब्यूटी यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को रोज़ाना इसके अपडेट्स पाने के लिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक, मैं हूँ विम्पी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल। एक्चुअली आप सब लोग जानते हो कि पर्पल पेयर पर कुछ टाइम पहले जो है सेल चल रही थी, तो मैंने कुछ चीज़ें जो है मैंने खरीदी हैं। सो मुझे लगा आप लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहिए। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले आपसे एक मैं चीज़ जो है क्लियर कर देना चाहती हूँ, मुझे इनमें से कोई भी चीज़ पर्पल वालों ने नहीं भेजी है, ना ही ये किसी चीज़ का, किसी वेबसाइट का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का कोई स्पॉन्सरशिप है या फिर यू नो कोई प्रमोशन है। मैंने ये सारी चीज़ें खुद से खरीदी हैं, कोई पर्पल वालों ने मुझे नहीं भेजा है। सो इनमें से अगर मैंने कोई चीज़ यूज़ की होगी पहले, तो मैं उसका डेफिनेटली आपको रिव्यू जो है, छोटा सा रिव्यू जो है मैं दे दूंगी, और इन डिटेल वीडियो जो है वो आगे आएंगी जब मैंने यूज़ करूँगी, तो मैं आपको आगे जो है इनका रिव्यू दूंगी। और अब मैंने फेस पर कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ, और क्योंकि अभी इस वक्त रात के 10:15 बज रहे हैं, और इसीलिए मेरे मेकअप मतलब मेरे फेस पर प्लीज़ मत जाना, कोई भी जज मत करना प्लीज़। सो बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, पहला जो प्रोडक्ट है वो है वाओ का एप्पल साइडर विनेगर फेस वॉश। इसे मैं काफ़ी टाइम से परचेज करने की जो है वो सोच रही थी, लेकिन फाइनली मुझे सेल पर दिखा और मुझे लगा कि यार बस अब खरीद लो, तो मैंने इसको परचेज किया है। और ये एक्चुअली इसके अंदर पैराबेंस वगैरह नहीं होते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं एक्साइटेड थी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। और गाइज, मैंने ये जो सारा सामान है वो एक साथ जो है ऑर्डर किया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे जो है ये सारा रिसीव हुआ। सबसे पहले मुझे ये वाला रिसीव हुआ, और आई थिंक इसमें से मैं बहुत ज़्यादा वाला यूज़ कर चुकी हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड इसे दिन रात यूज़ कर रहे हैं, और हमने काफ़ी ज़्यादा इसे यूज़ कर लिया, और डेफिनेटली मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू जो है ना आपको आने वाली वीडियो में डेफिनेटली दूंगी, और मुझे लगता है इसके बाद शायद इसी का रिव्यू आएगा मेरे चैनल पर। सो गाइस, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अगेन एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, जो कि है डर्म डॉक का हाइड्रा बूस्ट फेस टोनर विद हियालुरोनिक एसिड। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे मतलब वेरिएंट्स में मिल जाएगा। मैंने जो है हियालुरोनिक एसिड वाला लिया है, आप चाहें तो कोई भी परचेज कर सकते हो जो भी आपको मतलब सूट करता हो। तो इस तरीके की पैकेजिंग में है ये, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए। ये मतलब अच्छा है काफ़ी, पिंपल प्रोन आई थिंक के लिए है, आई डोंट नो, मैंने अभी इसको अच्छे से यूज़ नहीं किया है तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती हूँ। सो ये है सेकंड प्रोडक्ट, ये एक टोनर है जैसे कि मैंने आपको बताया। थर्ड प्रोडक्ट है ये लिपस्टिक, जो कि है मेबलिन की तरफ से, मेबलिन का है सुपर स्टे मैट इंक। इसके अंदर मैंने जो शेड है खरीदा है 25 हीरोइन, और ये जो है कलर रेड कलर में है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ये वाला जो शेड है ना पसंद आया। इसके अंदर मैं इसके जो सारे शेड्स जो है मैं डेफिनेटली खरीदूंगी, मतलब ये जो शेड है ना गाइस, मतलब मज़ा आ गया जब आप इसे लगाते हो ना, ये सुबह से लेकर के शाम तक मतलब ये अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, तो मुझे ये जो है काफ़ी पसंद है। इसे मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, और गाइस इसके अंदर जो मेरा शेड है वो है 25 हीरोइन, तो आप डेफिनेटली इसे जो है वो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मास्क वगैरह पहनना होता है, और जब आप मास्क लगाते हो तो जो लिपस्टिक होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, सो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन एक लिपस्टिक है, जो कि वेट एंड वाइल्ड से है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इसको यूज़ किया है, और आपको पता है लिपस्टिक जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उसका एक बारे में ही पता लग जाता है, तो इसका जो शेड है वो है ये, मतलब आप देखो आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जो शेड है बहुत ज़्यादा ब्राइट आएगा, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई मैं इसे खरीद करके, क्योंकि अब ये देखो बिल्कुल इतना ब्राइट नहीं लग रहा है, काफ़ी मतलब लाइट लगता है ये आप जब इसे अपने लिप्स पर लगाते हो। और ये वाला जो शेड है ये है टैंगर रिंग द अलार्म E976। जब आप इसे लगाते हो तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है, और मतलब जब आप चाय वगैरह पीते हो, कुछ भी खाते हो, तो ये ट्रांसफ़र भी हो जाता है और उसी वक्त निकल भी जाता है, बस ये यहाँ पर लाइन सी बनी रह जाती है और ऊपर ऊपर से सारा निकल जाता है। तो मुझे ये लिपस्टिक मतलब कुछ खास नहीं लगा है, खरीद तो लिया है अब यूज़ तो करना ही है, लेकिन मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी।
हाँ, अगर आप डेली वेयर के लिए चाहते हो, मतलब के लिए घर पर एवं लगाने के लिए, तो आप डेफिनेटली इसको जो है वो यूज कर सकते हो। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन डर्म डॉग की तरफ से। ये है डर्म डॉग का एंटी एक्ने फेस सीरम। मुझे फेस पर एक्ने वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ये है सैलिसिलिक एसिड के साथ, जो कि पिंपल एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अनदर वेरिएंट्स में भी मौजूद है, जैसे कि मैंने आपको अभी टोनर जो दिखाया था वो था हेलोरोनिक एसिड, ये था सैलिसिलिक एसिड के साथ। ये एक्ने वगैरह के साथ जो है वो फाइट करता है एंड सीबम को जो है कंट्रोल करता है। इसे मैंने अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया है, और इसके अंदर आपको इस तरह का ड्रॉपर मिल जाता है, जो कि जिसे लगाना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। सीरम आपको पता है 1 से 2 ड्रॉप ही चाहिए होते हैं हमें, और ये देख सकते हो आप, बहुत ही छोटू सी बॉटल है, और ये आई थिंक 10 ml का है। हाँ, 10 ml का है। और इनके जो प्राइस लिस्ट है, मतलब प्राइस वगैरह है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी। लेकिन गाइज, ये इसे मैंने काफ़ी, मतलब ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, इन्हें मैंने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर खरीद लिया, क्योंकि सेल चल रहा था, सेल रोज रोज तो नहीं चलता, तो मैंने इसे परचेज कर लिया। और वैसे भी पर्पल पर आए दिन कुछ ना कुछ सेल चलता रहता, तो आपको हर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिस्काउंट में जो है वो मिल जाएगा। गाइज, मैं कोशिश करूंगी कि इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, तो आप चेक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइज बायोटिक का, ये बायो पपाया फेस स्क्रब। गाइज, ये जो प्रोडक्ट है स्किन केयर प्रोडक्ट, ये मेरा अभी तक का फेवरेट वाला प्रोडक्ट है। इसे मैं अपने स्किन केयर, मतलब अपने वॉशरूम से मैं इसे नहीं हटाती हूँ बिल्कुल भी। ये जब भी फिनिश, मतलब इसे मैं फिनिश होने ही नहीं देती, ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। टैन रिमूवल स्क्रब है ये, और ये दी बेस्ट वाला स्क्रब है। इसका मैंने बड़ा वाला पैक जो है मंगा लिया, और इसका प्राइस है 520। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे जो पैक है वो भी मौजूद हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। और मैंने तो इसका बड़ा वाला पैक मंगाया, और मैं इसे 2 बार यूज़ भी कर चुकी हूँ। जो खुशबू है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये दी बेस्ट वाला स्क्रब है गाइस। एक बार आप इसे ट्राई करो, आप रिग्रेट नहीं करोगे, बहुत ही अच्छे वाला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है डर्म डॉग स्किन हाइड्रेटिंग फेस जेल विद हियालुरोनिक एसिड। मैंने ये भी जो है हियालुरोनिक एसिड वाला ही लिया है। पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, और मैंने सोचा मैं इसका टोनर वगैरह ले रही हूँ, तो क्यों ना मुझे ये भी ले लेना चाहिए। फेस वॉश मैंने जो है वो बाओ का ले लिया, तो मैंने इसका फेस वॉश ले लिया। और पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी क्लासी है इसकी पैकेजिंग, आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर मैं भी आपको दिख रही हूँ। हेलो। सो ऐसी कुछ पैकेजिंग के अंदर है ये, नॉर्मल सी टॉप पैकेजिंग। और यहाँ पर इसके एक लिड थी, मैंने जिसको हटा दिया है, लेकिन इसे मैंने एक बार यूज़ नहीं किया है। खुशबू उसकी, आई थिंक इसकी कोई खुशबू है ही नहीं। कोई बात नहीं, इसका ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो डेफिनेटली आएगा मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी मेरा फेवरेट वाला है, जो कि है गुड वाइब्स का एलोवेरा। इसका मैंने बड़ा वाला पैक लिया है गाइज, जिसका प्राइस है 399, लेकिन आपको इसके अंदर छोटू वाला पैक भी मिल जाएगा अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो। इसका मैं ऑलरेडी यही वाला पैक जो है ख़त्म कर चुकी हूँ, मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में बताया हुआ है आपको, और इसे मैंने यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया गाइस। ये बहुत ही अच्छा है, आई मीन लुक एट द टेक्सचर, बहुत ही अच्छे वाला प्रोडक्ट है, आप इसे डेफिनेटली यूज़ करो गाइस, बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट। इसके अंदर आप छोटा वाला पैक जो है खरीद सकते हो, और ये नॉर्मल एलोवेरा जेल है, मैंने किसी और इंग्रेडिएंट के साथ इसको नहीं खरीदा है। पैराबेन फ्री है, सल्फेट नहीं है, इसके अंदर क्रुएल्टी फ्री है, तो आप डेफिनेटली इसे जो है परचेज कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगेन बायोटिक का, और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी छुपी हुई है। एक्चुअली क्या है, ये मैंने गलती से परचेज कर लिया है, मैंने ये चीज़ इसके ऊपर पढ़ी नहीं थी कि ये हेयर सीरम है। एक्चुअली मुझे लगा कि ये फेस सीरम होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि बायोटिक का एक नया फेस सीरम आया है, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी में परचेज कर लिया। एक्चुअली ये है हेयर सीरम बायो आलमंड एंड कैशू। मैंने इसको एक बार भी यूज़ नहीं किया है, मैं इसे डेफिनेटली यूज़ करूँगी और आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। और अभी आ गया था तो मैंने इसको यू नो रिटर्न करने का बिल्कुल नहीं सोचा, मुझे लगा नया प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली ट्राई कर लेना चाहिए। और ये जो है क्रीम फॉर्म के अंदर है गाइस, मतलब जैसे कंडीशनर होते हैं ना,
पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, और ये कंडीशनर जैसा है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है, तो मैं डेफिनेटली इसे जो है ट्राई करूँगी। और इसका प्राइस है आई थिंक 159, और ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया था। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगला जो प्रोडक्ट है गाइज वो ये है, बायोटिक का बायो विंटर चेरी बॉडी लोशन। ये जो है मेरा फेवरेट वाला, अगेन बायोटिक का प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी जो खुशबू है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाइज। ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, 180 रुपीज़ में आपको जो है मिल जाएगा ये। इसके अंदर छोटा वाला पैक भी आपको मिल जाएगा, आई थिंक अवेलेबल है इसके अंदर छोटा वाला पैक भी, जिसके अंदर 190 ml का आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ये जो है एक्चुअली बॉडी की स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से ये हाइड्रेट करके रखता है, और बिना चिपचिप किए आप इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब कहीं जो बॉडी लोशंस होते हैं जिन्हें यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आता है, चिपचिप करते हैं, इसे आप सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हो और गर्मियों में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज़ ये था एक छोटा सा हॉल वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो जो है चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।